Hey guys, assalamu alaikum and welcome back to my channel. आज है मेरा आखिरी दिन आर्मेनिया में और आज करना है सिटी टूर और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ट्रैवल करना है आपको आर्मेनिया, क्या देखने मिल सकता है आपको यहाँ पर, कितनी एक्सपेंसिव सिटी है, कहाँ पर रुकना है, क्या करेंसी कन्वर्जन है और कौन से ट्रैवल गाइड के साथ में आपको ट्रैवल करना है टू गेट द बेस्ट पैकेज. गोइंग टुडे व्हाट्स योर प्लान? वी आर हेडिंग टू जेनोसाइड म्यूजियम मॉन्यूमेंट पार्क. ओके, सो दिस जेनोसाइड म्यूजियम वाज बिल्ट more than 60 years ago because Turkey did genocide with Armenian nation during World War I, before and after also. Okay. 1.5 million Armenians were killed, more than 1.5 million. तो जैसा अपने टूर गाइड ने बताया तो वो हिसाब से ये है वो मेमोरेबल प्लेस जहाँ पर जब भी यानी होता क्या है कि यहाँ पर जो भी ये पीछे आप जितने भी ट्रीज देख रहे हैं यहाँ पर स्पेशली ये सारे प्लांटेड किए गए हैं जब भी कोई दूसरे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं कंट्री से टू विजिट आर्मेनिया. तो एज ए रिमेम्बरेंस यहाँ पर हर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने ट्री प्लांट किया है और सबसे पहला ट्री जब ये 2017 में इन्होंने बनाया था और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सबसे पहला ट्री जो प्लांट किया था बाय हमीद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबसे पहला ट्री उनका है, आप देख सकते हैं. तो ये है ये मॉन्यूमेंट के अंदर का एरिया. यहाँ पर फायर होती है जो ऑलमोस्ट 24 आवर्स 365 डेज चलती रहती है बाय कंसीडरिंग दैट जेनोसाइड व्हाट हैज हैपेंड एंड हैव एक्सप्लेन दिस बिफोर. सो दिस इज द एंटायर लुक. फैक्ट नंबर टू, अगर आपको विजिट करना है आर्मेनिया तो आर्मेनिया में दूसरे यूरोपियन कंट्रीज की तरह चार सीजन होते हैं, स्प्रिंग, ऑटम, समर एंड विंटर. विंटर में इट्स वेरी वेरी कोल्ड, that starts from November to Feb and March. So उसमें काफ़ी snowing होती है, ice होती है हर जगह. So अगर आपको वो चीज़ का मज़ा लेना है तो आप आ सकते हैं वो टाइम पे. समर का मज़ा लेना है तो that starts from June to August. और spring और autumn बाकी के महीने होते हैं जिसको shoulder month भी कहते हैं, तो उसमें भी आप travel कर सकते हैं to have a pleasant weather जिसमें हल्की फुल्की बारिश भी होती है. तो it's up to you which weather suits you best. So you can plan accordingly. और साइट सीइंग की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें आपको मिल जाएंगी देखने के लिए, ग्रीनरी, माउंटेन और उनके मॉन्यूमेंट्स और मोनेस्ट्रीज, चर्च वगैरह, ये बहुत ही फेमस है यहाँ पर. यही सारी चीज़ें आपको हर जगह पर दिखाई देगी. सो दिस इज वॉट ऑल अबाउट आर्मेनिया. फैक्ट नंबर थ्री, यहाँ पर स्कूल में एज ए सब्जेक्ट चेस एक कंपलसरी सब्जेक्ट है अदर देन देयर लैंग्वेज आर्मेनियन और फ्रेंच लैंग्वेज के अलावा, जिसमें स्कूल में बच्चों को चेस खेलना सिखाया जाता है. और अगर उसमें किसी को करियर बनाना है तो वो भी काफ़ी फैसिलिटी यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एट फ्री ऑफ कॉस्ट. और मेरा यहाँ पर बोलने का मतलब ये था कि मैं आपको ब्यूटीफुल सा सिटी व्यू भी दिखाऊँ. टिप नंबर फोर, अगर आपको रहना है हॉस्टल या होटल में तो आई विल सजेस्ट कि आप यरावन सिटी सेंटर के करीब का होटल या हॉस्टल सेलेक्ट करें. इफ़ यू आर अ बैचलर देन द कंतार हॉस्टल जिसमें मैं रहा हूँ, आज मेरा आखिरी दिन है तो चार दिन का मेरा बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा. इट्स वेरी क्वाइट, क्लीन, ब्रेकफास्ट भी एज़ कम्पेयर टू अदर हॉस्टल से काफ़ी अच्छा था. And the most important thing, it's very near to city center, just 100 or 150 meter ka distance hai, and it is very reasonable and affordable also. So ye hai one of the best place in city. Agar aapne karna hai city tour to definitely aapne karna hai Cascade ko include aapke tour mein. ये है ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर ऑफ कास्केड. यहाँ पर है बहुत सारे बहुत ही एक्सपेंसिव, मोर देन हाफ मिलियन आर्मेनियन दिरहम्स वाले मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर पीछे हैं, स्कल्पचर्स हैं यहाँ पर. As compared to दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़,
कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा सा कम है। अगर आप फॉर एग्जांपल होटल वगैरह की बात करते हैं तो एक होटल के पर नाइट चार्जेस होते हैं ऑलमोस्ट, हॉस्टल की बात कर रहा हूँ सॉरी नॉट होटल, तो हॉस्टल के चार्जेस होते हैं 70-90 dirham पर नाइट। और अगर आप एक कॉफ़ी पीने जाएं आप कहीं से नॉर्मल से रेस्टोरेंट में, तो दैट कॉफ़ी विल कॉस्ट यू अराउंड 400-600 आर्मेनियन दिरहम, डिपेंड्स ऑन वेयर एग्जैक्टली यू आर गोइंग। और पानी की बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको एक लीटर पानी मिल जाएगा 150-200 आर्मेनियन दिरहम। तो दिस इज़ द बेसिक कॉस्ट आइडिया आई एम गिविंग। सुपर मार्केट भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं खाना वगैरह बनाना चाहते हैं तो सुपर मार्केट से भी चीज़ें लेके आप बना सकते हैं हॉस्टल में, दैट ऑल गाइस यू शुड डू दैट। और अगर फूड की बात करें लंच या डिनर की, तो एक अच्छा लंच पर पर्सन आपको पड़ जाएगा ऑलमोस्ट 5,000 से लेके 10,000 आर्मेनियन दिरहम। यहाँ पर ये 1,000 काफ़ी चलता है, तो इसके लिए बहुत कन्फ्यूजन होता है करेंसी कन्वर्जन के लिए, बट ऑन एन हल्का फुल्का सा छोटा सा मील आपको पड़ जाएगा ऑलमोस्ट 5,000 वर्थ ऑफ आर्मेनियन दिरहम में। बाकी आप उसको कैलकुलेट कर लें आपके रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो ये है कैस्केड, को अगर आपको ऊपर से एक्सप्लोर करना है तो आप एस्केलेटर से आके सीधा यहाँ से एंट्रेंस से बाहर आके इन्जॉय कर सकते हैं इसका ब्यूटीफुल सा सिटी व्यू। यहाँ से ऑलमोस्ट आपको पूरा यरवन दिखाई दे रहा है। इट्स लुकिंग रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5 इन आर्मेनिया, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए यहाँ पर आपको मॉस्क मिलना ऑलमोस्ट ही इम्पॉसिबल है। मैं 3 दिन से काफ़ी ट्राई कर रहा हूँ कि एटलीस्ट एक मस्जिद मिल जाए जहाँ पर जाके मैं 2 रकत नमाज़ पढ़ सकूँ नफिल की, लेकिन जो टूर गाइड को पता नहीं है वो बोलता है कि यहाँ पर मस्जिद और मुस्लिम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। गूगल पे भी चेक किया मैंने तो 1-2 मस्जिदें मिली हैं उनके साउथ साइड में जहाँ पर ईरानियन लोग रहते हैं और ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, बट दैट इज़ लाइक अ शिया मॉस्क। सो घर फिर एट लास्ट आपको रूम पर ही नमाज़ पढ़नी पड़ती है, सो यू शुड बी प्रिपेयर एंड यू शुड बी नोइंग दिस बिफोर कमिंग टू आर्मेनिया। यू पॉपुलेशन भी अगर आप देखा जाए तो मुस्लिम का दिखाता है 2-3%, बट आई हैव नेवर सीन एनी मुस्लिम हियर और मॉस्क और एनीथिंग लाइक दैट। और मे बी अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं जिससे किसी और को सहूलत और आसानी हो जाए। पॉइंट नंबर 6, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं आर्मेनिया तो आप ये समझ के चलो, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हलाल शॉप मिलना जिसमें आपको हलाल फूड सर्व किया जाएगा चाहे वो चिकन हो या मटन हो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक इम्पॉसिबल। अगर आप कहोगे हलाल तो देख से कि यस वी विल सर्व हलाल, बट हलाल से उनका मानी होता है कि दे विल गिव यू फ्रेश फूड नॉट हलाल फूड। सो देर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन फ्रेश फूड एंड हलाल फूड, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट। These are the missiles and some tanks which were used in World War II, and this is the main big statue of Mother of Armenia which looks very tall, and I don't know how they have built it, it looks really amazing. आपको बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं मिलेगा, जैसे कि मेट्रो और बस वगैरह की फ्रीक्वेंसी उतनी अच्छी नहीं है, टैक्सीज आर एक्सपेंसिव और उतनी इजीली अवेलेबल भी नहीं है, तो यू हैव टू डिपेंड ऑन द टूर गाइड व्हेन एवर यू आर कमिंग टू आर्मेनिया टू कवर ऑल द डिफरेंट स्पॉट्स। सो अगर आप ग्रुप टूर भी करते हैं तो और या फैमिली टूर करते हैं तो दोनों के लिए ही इज़ द राइट पर्सन, बिकॉज आई एम विद हिम फ्रॉम लास्ट 4 days एंड ही टुक मी ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस, ही नेवर सेड नो फॉर एनीथिंग। अगर बीच में भी कहीं रुकाना है कुछ पिक्चर लेने, एंड टॉप ऑफ दैट ही इज़ अ वेरी गुड फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर, बिकॉज ही इज़ हेल्पिंग मी इन माई टू मेकिंग दिस वीडियो एंड ब्लॉग्स लाइक इन एंड आउट, एंड यू हैव टू बी श्योर दैट यू हैव टू बी ऑन टाइम, अदरवाइज ही विल गेट अपसेट इफ यू आर लेट। Okay, the first 30 minutes, I don't count as a late. Yeah, that is very common for. So he will give you the best package, best deal, everything. That I can assure you, because यहाँ आने से पहले मैंने काफ़ी tour guide से check किया था, लेकिन इसने जो मुझे package दिया था, no one can beat that. And plus, the services as on top notch, I can say that. Message me,
On TikTok you can find me tour guide in Armenia. On Facebook you can find me Armenian Silk Road. On Instagram you can find me Armenian Silk Road. Cool. और इसने मुझे पैकेज दिया था 4 दिन का 1000 दिरहम में, और अगर इफ दे विल टेक माई नेम इरफान शेख, देन ही विल ऑफर यू लिटिल बिट मोर डिस्काउंट ऑन टॉप ऑफ दैट इफ यू टेक माई नेम व्हेन यू आर कॉन्टैक्टिंग. यस ऑफ कोर्स, जस्ट मेंशन इरफान's नेम एंड यू विल हैव अ मोर डिस्काउंट. तो अगर आपको करनी है शॉपिंग सुविनियर्स और छोटी मोटी आइटम्स की जो होते हैं नॉर्मल मार्केट और विंडो शॉपिंग, सो दिस इज द मार्केट, दिस इज द प्लेस. वनिसाज मार्केट लोकेटेड इन सिटी सेंटर एरिया इन आर्मेनिया येरेवन. तो यहाँ पर आके आप कर सकते हैं शॉप. श्री लेडीज स्टाफ जो होते हैं जिनको दुपट्टा भी कहते हैं, तो ये आपको मिल जाएंगे ऑलमोस्ट 7 to 8,000 आर्मेनियन दिरहम्स में. तो काफ़ी अच्छे कलर्स और डिज़ाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं. इट्स रियली तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि ये मार्केट से आप छोटी मोटी शॉपिंग कर सकते हैं. इट्स लाइक वर्थ, और आप बार्गेन करना ना भूलें, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यहाँ पर बार्गेन होती है और अच्छे प्राइस में आप काफ़ी सारी लोकल ऑथेंटिक चीज़ें बाय कर सकते हैं. फाउंटेन एरिया, फाउंटेन जनरली ऑपरेट्स होता है आफ्टर 9 o'clock इन द इवनिंग फिलहाल के दिनों में, बाकी का मुझे इतना आइडिया नहीं है. और पीछे है बहुत ही बड़ा म्यूजियम, म्यूजियम ऑफ सिटी सेंटर, और ये साइड में आप देखा हो तो है मैरियट होटल, और यहाँ से एक 100 meters के डिस्टेंस पे है मेरा हॉस्टल जिसमें मैं रह रहा हूँ, और जो सारी डिटेल मैंने शेयर की है मेरे दूसरे वीडियोज में. तो इट्स लाइक अ मस्ट विजिट प्लेस. आई कैन से दैट ऑलमोस्ट एवरी डे इन द इवनिंग टाइम after finishing my day tour I'm coming here just to sit there and have a coffee.